तो दोस्तों आप सभी को फॉन्ट को ऐड करने के लिए सबसे पहले आप लोग को देख सकते हो यहाँ पे आप लोग को टेलीग्राम का जरूरत पड़ने वाला है, जिसकी मदद से हम लोग कोई भी फॉन्ट को यहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत सारे भाई लोग का कमेंट आता है यार फॉन्ट यहाँ पे ऐड नहीं होता है, तो मैं आप लोग को डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो, डायरेक्टली करके मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप लोग को कोई भी पोस्ट पर आ जाना है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग का हिंदी फॉन्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आप लोग जैसे लिंक में यहाँ पे क्लिक करते हो या देख सकते हो यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा जीमेल यहाँ पे ओपन हो जाएगा, एंड आप लोग जो जिस जीमेल में आप लोग को डाउनलोड करना है आप लोग को सिलेक्ट करके ओके कर लेना है, एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप से आप लोग को दिखाई देने लग जाएगा ड्राइव का इंटरफेस। तो ऊपर में 3 डॉट में आप लोग को क्लिक करना है, एंड यहाँ पे देख सकते हो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सेंड अ कॉपी वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें आप लोग को क्लिक करना है, एंड बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, एंड यहाँ पे आप लोग को जेड आर्चीवर वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, एंड उससे पहले आप लोग को प्ले स्टोर से जेड आर्चीवर ऐप डाउनलोड कर लेना है, तभी जेड आर्चीवर वाला ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे रीनेम यहाँ पे आप लोग को कर लेना है, एंड यहाँ पे देख सकते हो आप लोग रीनेम इसलिए करना है क्योंकि आप लोग यहाँ पे ईजिली यहाँ पे ढूंढ सकते हो, एंड यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कट करके इरेज करके अपना नाम या फिर आप लोग कोई भी फॉन्ट का यहाँ पे नाम यहाँ पे लिख लेना है कुछ इस टाइप से, ताकि इजीली हम लोग ढूंढ सके इस फॉन्ट को। तो ये काम आप लोग फाइल मैसेंजर में भी कर सकते हो, लेकिन जेड आर्चीवर ऐप में बहुत ही ज़्यादा इजीली हो जाता है, तो प्ले स्टोर से जेड आर्चीवर ऐप डाउनलोड कर लेना है आप लोग को, एंड देख सकते हो यहाँ पे हिंदी फॉन्ट एडिटर रोशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड लिख लेने के बाद ओके आप लोगों को करना है, एंड आप लोग जैसे ही ओके कर देते हो यहाँ पे देख सकते हो, एंड जैसे ही ओके कर देते हो यहाँ पे नेम लिखने के बाद, तो अब आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो नीचे में आप लोग ओके वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पे अब आप लोग का एक फाइल यहाँ पे बन चुका है, एंड अब 7z फाइल बन चुका है, एंड वो फाइल को ढूंढने के लिए आप लोग को यहाँ पे जो भी हम लोग यहाँ पे नेम अभी आप लोग यहाँ पे लिखे हैं वही नेम आप लोग को ऊपर में सर्च करना है जेड आर्चीवर में, एंड देख सकते हो आप लोग को हिंदी फॉन्ट में जैसे ही आप लोग को सर्च करता हूँ यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 7z यहाँ पे देख सकते हो 7z फाइल मुझे यहाँ पे दिखाई देगा जिप फाइल, तो यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे लोड होगा यहाँ पे देख सकते हो, एंड यहाँ पे देख सकते हो हमारा जितना यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हुआ था यहाँ पे हिंदी फॉन्ट करके यहाँ पे आ चुका है, तो ये वाला फोल्डर मैं क्रिएट किया था इसमें आप लोग को क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आप लोग चाहो तो कॉपी भी कर सकते हो एंड यहाँ पे कट भी कर सकते हो। ओके तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे कट करता हूँ, एंड कट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आप लोग को बैक आ जाना है, एंड ऊपर में प्लस का आइकन दिखाई देगा इसमें आप लोग को क्लिक करना है, एंड आप लोग को एक फोल्डर बनाना है, फोल्डर बनाने के लिए आप लोग को न्यू फोल्डर में क्लिक करना है, एंड आप लोग जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पे इरेज कर देना है, एंड अब आप लोग को यहाँ पे फोल्डर का नाम यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे हिंदी यहाँ पे देख सकते हो न्यू हिंदी फॉन्ट यहाँ पे करके मैं नाम रख लेता हूँ इस फोल्डर को, तो यहाँ पे आप लोग को ये नाम आप लोग को याद रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग को यहाँ पे कुछ स्टेप से मैं लिख देता हूँ, एंड ये नाम आप लोग को याद रखना पड़ेगा तभी जा करके पिक्सल लैब में आप लोग ढूंढ पाओगे। तो अब आप लोग को इस फोल्डर के अंदर आ करके इस यहाँ पे जो जिप फाइल है हम लोग को यहाँ पे पेस्ट कर देना है कुछ स्टेप से, एंड अब देख सकते हो हमारा ये जो हिंदी वाला जिप फाइल है यहाँ पे देख सकते हो आप लोग को इसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो जिप फाइल में आप लोग को एक बार क्लिक करना है, एंड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, तो एक्सट्रैक्ट भी वाला ऑप्शन में भी क्लिक करके कर सकते हो, एंड यहाँ पे नीचे में एरो वाला ऑप्शन दिखाई देगा इसमें आप लोग को क्लिक कर देना है, एंड आप लोग का यहाँ पे जिप फाइल आप लोग को एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पे देख सकते हो हमारा यहाँ पे फॉन्ट वाला पेज यहाँ पे आ चुका है। तो अब आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग को सिंपली बैक आ जाना है आप लोग को, एंड आप लोग जैसा ही बैक आ जाते हो तो आप लोग को फोल्डर का नाम यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप का यहाँ पे फोल्डर है, आप लोग को ये फोल्डर का नाम याद रखना है। ओके एंड आप लोग जैसा ही फोल्डर का नाम याद रखोगे तो अब आप लोग को पिक्सल ऐप में आ जाना है, अब हम लोग फॉन्ट को यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। ओके एंड यहाँ पे देख सकते हो हमारा पिक्सल ऐप कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, तो यहाँ पे आप लोग को जो भी आप लोग को नाम यहाँ पे लिखना है आप लोग लिख लेना, एंड यहाँ पे आप लोग को इसमें फॉन्ट अप्लाई करना है। ओके तो फॉन्ट वाले सेक्शन में आ जाना है आप लोग को, देख सकते हो यहाँ पे फॉन्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे नीचे में दिखाई देगा आप लोग को, तो फॉन्ट वाले ऑप्शन में आप लोग को क्लिक करना है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे है दोस्तों, अगर आप लोग सीख जाते हैं तो आप लोग कोई भी फॉन्ट को इजीली ऐड कर सकते हो। ओके माई फॉन्ट में आ जाना है, एंड यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, तो ये जो आप लोग को फाइल वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसमें आप लोग को क्लिक कर देना है, एंड आप लोग जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पे सारा फोल्डर यहाँ पे दिखाई देता है आप लोग को, तो अभी हम लोग जो भी फोल्डर यहाँ पे क्रिएट किया है वो फोल्डर में आ जाना है आप लोग को, तो यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ देख सकते हो कुछ इस टाइप से, एंड यहाँ पे आप लोग को सारा फोल्डर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये फोल्डर अभी हम लोग जो क्रिएट किया यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, तो ये वाला फोल्डर अभी हम लोग क्रिएट किया इसमें आप लोग को क्लिक करके अंदर आ जाना है, एंड ये जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करके ये जो पेज आप लोग लेके आए थे ये आप लोग को नीचे में ऐड यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। ओके यहाँ पे देख सकते हो हमारा कितना ज़्यादा सिंपल स्टेप्स में यहाँ पे फॉन्ट हमारा ऐड हो चुका है, वो भी हिंदी वाला फॉन्ट। अब आप लोग को यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। ओके एंड यहाँ पे नीचे में ओके वाला ऑप्शन में आप लोग को क्लिक कर देना है, एंड इस टाइप से आप लोग इजीली तरीके से कर सकते हो किसी भी फॉन्ट को यहाँ पे कस्टम फॉन्ट को ऐड। तो अच्छा लगा होगा वीडियो तो करना लाइक, और नए हो गए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो हम लोग फिर से मिलेंगे कुछ इसी टाइप का वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।